After 20 Years is a short story written by O. Henry, first published in his anthology, The 4 Million in 1906. 20 वर्षों के बाद ओ हेनरी द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है, जो पहले 1906 में अपने संकलन, The 4 Million में प्रकाशित हुई थी। हरापर पुलिसकर्मी प्रभावशाली एवेन्यू पर ले जाया गया। प्रभावशीलता आदत थी और शो के लिए नहीं, दर्शकों के लिए कुछ थे। समय रात में 10 बजे मुश्किल से था, लेकिन उनमें बारिश का स्वाद के साथ हवा की मिर्च गश्त सच्ची तरह से निकट दे पीपल सड़कों था। दरवाजे की कोशिश करके रूप में वह चला गया, कई जटिल और धूर्त आंदोलनों के साथ अपने क्लब ट्वर्लिंग, अब मोड़ और फिर उसकी सतर्क आंख प्रशांत खालिस, अधिकारी, अपने दिग्गज फार्म और मामूली स्वैग के साथ अडाउन, शांति के एक संरक्षक की एक अच्छी तस्वीर बना दिया। आसपास के क्षेत्र में एक है कि जल्दी घंटे रखा था। अब और फिर आप सिगार की दुकान की रोशनी देख सकते हैं या रात के दोपहर के भोजन के काउंटर की रोशनी देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश दरवाजे उन व्यावसायिक स्थानों से थे जो लंबे समय से बंद हो गए थे। जब एक निश्चित ब्लॉक के मध्य रास्ते के बारे में पुलिसकर्मी अचानक उसकी सैर धीमा कर दिया। एक अंधेरे हार्डवेयर की दुकान के द्वार में एक आदमी झुका हुआ था, उसके मुंह में एक अप्रकाशित सिगार के साथ, पुलिसकर्मी उसे करने के लिए चला गया के रूप में आदमी जल्दी से बात की। यह सब ठीक है, अधिकारी, उन्होंने कहा, reassuringly। मैं सिर्फ एक दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ। यह 20 साल पहले की गई एक नियुक्ति है। आपके लिए थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, मैं समझाऊंगा कि क्या आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सब सीधे है। उस बारे में बहुत पहले वहाँ एक रेस्तरां था जहाँ यह स्टोर खड़ा है, बिगजो ब्रेडी के रेस्तरां। 5 साल पहले तक, पुलिसकर्मी ने कहा, यह तब टूट गया था। द्वार में आदमी ने एक मैच मारा और अपने सिगार को जलाया। प्रकाश ने गहरी आंखों के साथ एक पीला वरगज बड़े वाला चेहरा दिखाया और उसकी दाहिनी भौंक के पास थोड़ा सफेद निशान दिखाया। उसका स्कार्फ पिन एक बड़ा हीरा था, अजीब तरह से सेट। 20 साल पहले रात, आदमी ने कहा, मैंने यहाँ बिग जो ब्रेडी के जिमी वेल्स के साथ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और दुनिया में बेहतरीन चैप के साथ भोजन किया। वह और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में उठाया गया था, बस दो भाइयों की तरह, एक साथ। मैं 18 था और जिमी 20 था। अगली सुबह मैं पश्चिम के लिए अपना भाग्य बनाने के लिए शुरू करना था। आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं खींच सकते थे, उसने सोचा कि यह पृथ्वी पर एकमात्र जगह थी। खैर, हम उस रात पर सहमत हुए कि हम उस तारीख और समय से 20 साल फिर से मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी स्थितियां क्या हो सकती हैं या हमें किस दूरी से आना पड़ सकता है। हमने सोचा कि 20 सालों में हम में से प्रत्येक को हमारी नियति का काम करना चाहिए और हमारी किस्मत बनानी चाहिए, जो कुछ भी वे होने जा रहे थे। पुलिसकर्मी ने कहा, यह बहुत दिलचस्प लगता है, बल्कि एक लंबे समय के बीच मिलता है। हालांकि यह मुझे लगता है, क्या आपने अपने दोस्त से नहीं सुना है क्योंकि आपने छोड़ा था? ठीक है, हाँ, एक समय के लिए हम मेल खाते हैं, दूसरे ने कहा, लेकिन एक या दो साल के बाद हम एक दूसरे का ट्रैक खो दिया है। आप देखते हैं, पश्चिम एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है और मैं इसके चारों ओर बहुत जीवंत रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिमी मुझे यहाँ मिलेंगे यदि वह जीवित है, क्योंकि वह हमेशा दुनिया में सबसे भरोसेमंद पुरानी चपेट था। वह कभी नहीं भूल जाएगा। मैं रात में इस दरवाजे पर खड़े होने के लिए 1000 मील की दूरी पर आया, और अगर मेरा पुराना साथी बदल जाता है तो यह इसके लायक है। प्रतीक्षा करने वाले आदमी ने एक सुंदर घड़ी खींच ली, इसके ढक्कन छोटे हीरे के साथ सेट किए। 10 से 3 मिनट, उन्होंने घोषणा की। यह वास्तव में 10 बजे था जब हम रेस्तरां के दरवाजे पर यहाँ जुदा। बहुत अच्छी तरह से पश्चिम से बाहर किया, क्या तुमने नहीं किया? पुलिसकर्मी से पूछा। आप शर्त लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि जिमी ने आधा भी किया है। वह एक तरह का प्लॉडर था, हालांकि अच्छे साथी के रूप में वह था। मुझे अपने ढेर पाने के लिए जा रहे कुछ सबसे तेज बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ा है। एक आदमी न्यूयॉर्क में एक नाली में हो जाता है।
पश्चिम को उस पर एक रेजर बढ़त लगाने के लिए ले जाता है। पुलिस ने अपने क्लब को घुमाया और एक या दो कदम उठाए। मैं अपने रास्ते पर हो जाएगा। आशा है कि अपने दोस्त सब ठीक चारों ओर आता है। उस पर समय तेज कॉल करने जा रहे हैं? मैं नहीं कहना चाहिए, अन्य ने कहा। मैं उसे कम से कम आधे घंटे दे दूंगा। यदि जिमी पृथ्वी पर जीवित है तो वह उस समय तक यहाँ होगा। तो लंबे समय तक, अधिकारी। शुभ रात्रि, सर, पुलिसकर्मी ने कहा। अपने हरा के साथ गुजर रहा है, दरवाजे की कोशिश कर रहा है जैसे वह चला गया। वहाँ अब एक ठीक है, ठंड बूंदा बांदी गिरने था और हवा एक स्थिर झटका में अपने अनिश्चित कश से बढ़ी थी। उस तिमाही में कुछ पैर यात्रियों एस्टर डिजमली और चुपचाप कोट कॉलर के साथ साथ जल्दबाजी उच्च कर दिया और जेब हाथ और हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे में आदमी है जो एक नियुक्ति को भरने के लिए 1000 मील की दूरी पर आया था, लगभग बेतुकापन के लिए अनिश्चित, अपनी जवानी के दोस्त के साथ अपने सिगार धूम्रपान किया और इंतजार कर रहे थे। लगभग 20 मिनट वह इंतजार कर रहे थे और फिर एक लंबे ओवरकोट में एक लंबा आदमी कॉलर के साथ उसके कानों तक बढ़ गया, सड़क के विपरीत दिशा से भर गया। वह सीधे प्रतीक्षा आदमी के पास गया। क्या यह है कि आप बॉब, उसने पूछा संदेह से। क्या यह है कि आप जिमी वेल्स? दरवाजे में आदमी रोया। मेरे दिल को आशीर्वाद दें, नयागमन कहा, अपने ही साथ दोनों के हाथों लो भी। यह बॉब है, भाग्य के रूप में यकीन है। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें यहाँ मिल जाएगा अगर आप अस्तित्व में अभी भी थे। खैर, ठीक है, ठीक है। 20 साल एक लंबा समय है। पुराने रेस्तरां चला गया है बॉब, काश यह चली थी, इसलिए हम वहाँ एक और रात का खाना हो सकता था। पश्चिम ने आपको किस तरह से व्यवहार किया है बूढ़ा आदमी? धमकाने, यह मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं इसके लिए कहा। आपने बहुत सारे बदल दिए हैं जिमी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप 2 या 3 इंच से इतने लंबा थे। ओह, मैं 20 साल के बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ। न्यूयॉर्क में अच्छी तरह से कर जिमी? मामूली। मेरे पास शहर के विभागों में से एक में एक स्थान है। चलो बॉब, हम एक जगह मैं के बारे में पता करने के लिए चारों ओर जाना होगा और पुराने समय के बारे में एक अच्छी लंबी बात है। दो पुरुषों सड़क शुरू कर दिया, हाथ में हाथ। पश्चिम के आदमी, उनकी अहंकार सफलता से बढ़ी, अपने करियर के इतिहास की रूपरेखा शुरू कर रहा था। दूसरा, अपने ओवरकोट में डूबे हुए, ब्याज के साथ बात सुनी। कोने में एक दवा की दुकान बिजली की रोशनी के साथ शानदार खड़ा था। जब वेस चमक में आया, उनमें से प्रत्येक एक साथ बदल गया, दूसरे के चेहरे पर टकटकी। पश्चिम से आदमी अचानक बंद कर दिया और अपना हाथ जारी किया। आप जिमी वेल्स नहीं हैं, उन्होंने बोले। 20 साल एक लंबा समय है, लेकिन रोमन से एक पग में एक आदमी की नाक बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, लंबा आदमी ने कहा। यह कभी कभी एक अच्छे आदमी को बुरे में बदल देता है। आप 10 मिनट के लिए गिरफ्तारी के तहत किया गया है रेशमी बॉब। शिकागो सोचता है कि आप हमारे रास्ते पर गिरा दिया हो सकता है और तारों हमें वह आपके साथ एक चैट करना चाहता है। चुपचाप जा रहे हैं क्या आप हैं? यह समझदार है। अब इससे पहले कि हम स्टेशन पर जाएं, यहाँ एक नोट है, मुझे आपको सौंपने के लिए कहा गया था। आप इसे खिड़की पर यहाँ पढ़ सकते हैं, यह पेट्रोलमैन वेल्स से है। पश्चिम से आदमी सामने आया, कागज के छोटे टुकड़े उसे सौंप दिया। उसका हाथ स्थिर था जब वह पढ़ने के लिए शुरू किया, लेकिन यह समय वह समाप्त हो गया था द्वारा एक छोटे से कांप। नोटबल की छोटा था। बॉब, मैं समय पर नियुक्त स्थान पर था जब आपने अपने सिगार को प्रकाश देने के लिए मैच मारा, तो मैंने देखा कि यह शिकागो में आदमी का चेहरा चाहता था। किसी तरह मैं इसे खुद नहीं कर सका, इसलिए मैं चारों ओर चला गया और नौकरी करने के लिए एक सादे कपड़े आदमी मिला। जिमी,